हेलो एवरीवन, मैं पूनम रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपकी एनर्जी हो, कई बार आपको फील होता है बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, आप उदास महसूस करते हो, कभी कभी आपको एंजाइटी फील होती है या आपको अच्छा ही नहीं महसूस होता। सुबह तो जब आप ऑफिस में जाते हो तो पूरी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाते हो, और जब आप वापस आते हो तो आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल लो हो चुका होता है, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है, आप अच्छा फील नहीं करते। आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या हो गया, आपकी एनर्जी कैसे डाउन हो गई है। लगातार जब आप कुछ दिनों तक ऐसे रहते हैं तो आप में की जो एनर्जी है बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आप एक तरह की एंजाइटी फील करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर एक उदासी छाने लगती है और आपको कोई भी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती। तो इन सब के कारण जब धीरे धीरे आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता, धीरे धीरे आपके अंदर बीमारियां भी आना शुरू हो जाती हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण होता है कि जब आपका ऑरा जो है वो वीक होता है और जो आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी है उसको बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कैसे हम दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से, जिनका नेगेटिव ऑरा है, कैसे हम अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे हम अपने आप को दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस समाज में रहना है और हमें आदमियों से मिलना जुलना ही पड़ता है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलना नहीं चाहते क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो नेगेटिव है, उनका ऑरा नेगेटिव है। हमें खुद पता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं, हम उनसे बात नहीं करना चाहते, फिर भी ना चाहते हुए हमें उनसे बात करनी पड़ती है, हम उनको मना नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम उनकी एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन ना हो और हम सही भी रहें, हमारी जो एनर्जी है वो सेव भी रहे और ड्रेन भी ना हो, और हम उनको मना भी ना करें कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा कई बार आपके घर में ऐसे आदमी आते हैं कि जो आपके बारे में नेगेटिव सोचने पर ऊपर से तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं पर अंदर से वो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जिससे वो आपकी सारी एनर्जी, अगर आपका ओरा वीक होगा तो आपकी सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी और आपका ओरा बहुत जल्दी उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें दूसरों की नेगेटिविटी से बचने के लिए, क्योंकि हमें इस समाज में रहना, उठना बैठना है, उन आदमियों से मिलना जुलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे छोटे छोटे कुछ उपाय बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को इन ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले आदमियों से जो आपके आसपास हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हो। तो जो हमें करना क्या, सबसे पहले स्ट्रेंथ योर ओरा, अपने ओरा की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ानी है, अपने ओरा को पॉजिटिव बनाना है जिससे किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट ना कर सके। अगर आपका ओरा पॉजिटिव होगा, आपका ओरा स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी व्यक्ति, किसी की भी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने ओरा को बढ़ाने का? आपको मेडिटेशन करनी है। आप डेली जब मेडिटेशन करते हैं तो आपके ओरा की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, उसकी जो पावर है वो बढ़ने लगती है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना आती, आप जाते मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, तो इसके लिए आप 5 मिनट से स्टार्टिंग करें। जब आप 5 मिनट से स्टार्टिंग करेंगे धीरे धीरे उस टाइम को आप बढ़ाएं, एक टाइम में आप इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो 5 मिनट से आपको स्टार्टिंग करनी है। इसलिए आपको करना क्या, सिर्फ आपको लंबी गहरी सांस लेके अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और अपनी सांसों पे आपको ध्यान लगाना। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आती तो सिंपल अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए और धीरे धीरे आपका जो टाइम है इसको बढ़ाते जाइए। इससे जो आपकी ओरा की स्ट्रेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका ओरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। इससे आपकी ओरा की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जो हमारा सेकंड आता है वो आता है हमारा रॉक सॉल्ट। जब भी आप नहाने जाते हैं तो आप नमक के पानी से नहाना शुरू करें। आप रोज़ नहीं नहा सकते तो हफ्ते में 2 या 3 बार आपको रॉक सॉल्ट से आपको नहाना है। उसमें आपको करना क्या है, आप एक डिब्बे में पानी लेंगे, उसमें आपको 2-3 चम्मच नमक डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करके जब आप उस पानी से नहाएं तो आपको इंटेंशन डालनी कि जब आप इस पानी से नहा रहे हैं तो आपका जो भी नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपके अंदर, जो भी नेगेटिव फीलिंग है वो सारी रिलीज हो रही है, वो सारी वॉश हो रही है। जैसे जैसे आप वो पानी अपने ऊपर डालते जाएंगे आपका सारा नेगेटिव ऑरा, सारी नेगेटिव इमोशंस रिलीज होते जाएंगे और आपका जो एनर्जी है वो अच्छे से प्रोटेक्ट होती चली जाएगी। जब आप डेली नमक के पानी से नहाना शुरू करते हैं, अगर आप डेली नहीं नहा सकते तो हफ्ते में 2 या 3 बार नहाना शुरू करें तो आपका सारा नेगेटिव ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाएगा और आपके जो भी सारे दिन आप नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करते हो आपकी सारी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड।
इसलिए आपको करना क्या, जब आप डेली सुबह मेडिटेशन करते हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते आप पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, जब आप अपने मेडिटेशन करते हैं आपको फील करना है कि ऊपर से एक वाइट कलर की एनर्जी आ रही है, वाइट कलर की लाइट आ रही है जो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है, आपको जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपके पास भेज रहा कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग और खुशी ही इस ऑरा के अंदर एंटर कर सकती है। जो हमने शील्ड बनाई है वाइट की इसके अंदर एंटर कर सकती है। इसको बनाते समय आप इसकी टाइम लिमिट कर सकते हैं कि मैं 24 आवर के लिए अपने चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा हूँ, ये प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा हूँ, इस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी, सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग ही इसके अंदर आ सकती हैं, खुशियाँ ही इसके अंदर आ सकती हैं। आप ऐसे उसको इंटेंशन आपको देनी है और आपको फील करना है कि आपके बॉडी के चारों तरफ एक वाइट कलर की शील्ड बन चुकी है जो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है। ये आप सुबह आपको 2 मिनट कम से कम लगेंगे इस काम को करने में। जब डेली आप सुबह आपको अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना शुरू कर देते हैं तो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, चाहे आप किसी कितने भी नेगेटिव आदमी से मिलेंगे कहीं भी जाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन नहीं होगी और आपकी एनर्जी जो है प्रोटेक्ट रहेगी। तो आप डेली अपने आप को, अगर आपको ये करना नहीं आता तो आप डेली मंत्र जाप कर सकते हैं। जब आप डेली मंत्रा का जाप करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस मंत्रा का आप जाप करना शुरू कर दें, जब आप डेली उस मंत्रा का जाप करेंगे तो जो आपका ऑरा है वो बढ़ने लगेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, आपके चारों तरफ ये अच्छी सी वाइब्रेशन जो है वो बनने लग जाएगी, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। और आप चाहे तो जो हमारा मंत्र है हम, उसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं। जब हम की चैंटिंग करते हैं तो आपका जो हार्ट चक्रा है उसका स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाता है, जिससे आपके चारों तरफ एक अच्छी सी लेयर बनना शुरू हो जाएगी आपके ओरा के, और आप हर नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है योगा और एक्सरसाइज। जितनी आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपके ओरा की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर सकती, और किसी के नेगेटिव विचार है तो वो भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते। डेली जब आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालते हैं, तो किसी की भी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, आपका ओरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी आपको नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं भेज सकता, अगर भेज भी रहा है तो उसकी कोई भी एनर्जी आपकी इफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप रेकी जानते हैं तो आप डेली अपने आप को सुबह घर से बाहर निकलने से पहले अपनी रेकी करें, जिसे अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालें। इसमें रेकी में बताया जाता है कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालें, अपने आप को सेव करें नेगेटिव एनर्जी की। अगर आप रेकी जानते हैं तो आप रेकी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, एक आता है स्विच बोर्ड, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई आदमी आया हुआ है, आप वो उसके बातें करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको फील हो रहा है कि वो आपकी साइड नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या आप कहीं बाहर गए हैं और आप ऐसे आदमी से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि आपके बिजनेस पे, आपके घर पे, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, ऊपर से तो मीठी बातें कर रहा पर अंदर ही अंदर इसके अंदर नेगेटिविटी चल रही है जो हमें इफेक्ट कर रही है, तो उसके लिए आप जो स्विच वर्ड है वॉल, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसकी उससे बातें भी करते रहे और उसकी चैंटिंग भी करते रहे, वॉल अप वॉल अप। जब आप इसकी चैंटिंग करते हैं तो आपको फील करना है कि आपको आपके चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ या आपका बिजनेस है उसे चारों तरफ ईश्वरीय दीवार बनती जा रही है जो आपको उसकी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रही है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, ना ही आपके घर को, ना ही आपके बिजनेस को। आप उस स्विच वर्ड की चैंटिंग करते जाइए तो वो आपके चारों तरफ एक ऐसी तरह की दीवार बना देगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जब भी डेली जब आप सुबह सुबह इन चीज़ों की करते हैं, या तो अपने आपको व्हाइट लाइट की शील्ड में डालते हैं, या आप रेकी करते हैं, या इसकी सुबह सुबह इसकी चैंटिंग करते हैं स्विच वर्ड की, या नमक के पानी से नहाते हैं, इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगता है आप उसकी चैंटिंग करते हैं, तो आपका जो ओरा है वो प्रोटेक्ट रहना शुरू हो जाएगा, आपके ओरा की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितनी आप मेडिटेशन करेंगे, योगा और एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ओरा की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप हर नेगेटिविटी से बचना शुरू हो जाएंगे जब आप डेली ये करते हैं। तो डेली घर से निकलने से पहले आप इन चीज़ों को करिए और अपने ओरा को प्रोटेक्ट करिए, जिससे आप अपने आसपास की नेगेटिव ऊर्जा से, नेगेटिव आदमियों से जिनका ओरा नेगेटिव है, जो आपके पास नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप करके देखिए आपका ओरा कैसे प्रोटेक्ट रहना शुरू हो जाएगा, और जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी डाउन नहीं होगा, आपकी जो एनर्जी वो ड्रेन नहीं होगी, जिससे आपकी सारी एनर्जी बची रहेगी और आप बहुत अच्छा और अच्छा महसूस करेंगे। तो आप ये करके देखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।